और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। ब्रजभूषण पर आरोप लगाने वाली लड़की बालिग है, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। ब्रजभूषण पर पॉस्को एक्ट हट सकता है, ये बड़ी खबर। दिल्ली पुलिस की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि जिस लड़की ने बीजेपी सांसद ब्रजभूषण पर आरोप लगाए हैं वो लड़की बालिग है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है, लेकिन अगर ये खबर सच होती है तो जो पॉस्को एक्ट ब्रजभूषण पे लगा है उसको हटाया जा सकता है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी विमल का। विमल, क्या जानकारी मिल पा रही है? लेकिन इस मामले में पुलिस ने दो अलग अलग एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें एक एफआईआर क्योंकि नाबालिग पीड़िता को नाबालिग बताया गया था, तो इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। लेकिन उसी मामले की जांच के दौरान पुलिस को ऐसे कुछ सर्टिफिकेट्स हाथ लगे हैं जिससे ये जानकारी मिल रही है कि या तो वो सर्टिफिकेट मैनेज किए गए हैं या उनको तैयार करवाया गया। तो इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने जो है वो जानकारी मांगी है संबंधित एजेंसी से कि क्या वो सर्टिफिकेट असली है, क्योंकि पुलिस को कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसमें ये जानकारी मिल रही है कि जो जिसको माइनर बताया गया वो पीड़िता जो है वो नाबालिग नहीं है। और अगर ऐसा बिल्कुल उन सर्टिफिकेट के हिसाब से साबित हो जाता है कि वो सर्टिफिकेट को मैनेज किया गया, तो इसके बाद सीधा सीधा दिल्ली पुलिस जो है वो कोर्ट को ये जानकारी देगी, जो पॉक्सो कोर्ट है उसको ये जानकारी देगी कि ये मामला पॉक्सो एक्ट के तहत नहीं बनता। दूसरी तरफ पुलिस जो पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है लगातार, उसमें अभी तक कोई भी ऐसा साक्ष्य सामने नहीं आया है जिसमें डायरेक्ट एविडेंस कहा जा सके कि जिस मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी सीधी हो सके। क्योंकि इस मामले में जो सेक्शंस पुलिस ने खासकर पॉक्सो मामले में भी अगर जो सेक्शंस की बात करें, जो सेक्शंस लगाए गए हैं उसमें भी ऐसा प्रावधान है कि उस सेक्शन में 7 साल से कम सजा का प्रावधान है, जिसको लेकर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी क्लियर जजमेंट है जिस मामले में 7 साल से कम सजा का प्रावधान हो, तो उस मामले में जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो या इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को ना लगे कि गिरफ्तारी की जानी बहुत जरूरी है, वरना जो आरोपी है वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है, गवाहों को धमका सकता है या फिर फरार हो सकता है, जब तक ऐसी स्थिति इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर जांच अधिकारी को ना लगे तब तक गिरफ्तारी कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। विमल, साफ तौर से अब देखना यह है कि पहलवानों का रिएक्शन क्या आता है, क्योंकि इस पूरे मामले में ब्रजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस को अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन जिन्होंने आरोप लगाए हैं अब उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस सबूत ढूंढने निकली है। क्या सामने आएगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।